नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने इस साल अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के लिए कम से कम 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये जानकारी नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी आर चिंताला ने दी है, जो 3 दिवसीय यात्रा के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे हैं। अपने आधिकारिक दौरे के बारे में जानकारी शेयर करते हुए नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि बीते 15 दिनों में नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में कम से कम 17 नई माइक्रो हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले नाबार्ड अरुणाचल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 50 से 100 करोड़ रुपए आवंटित करता था, लेकिन इस साल 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये सारे फंड मार्च के अंत तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए वितरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत विशाल राज्य है, जिसे और अधिक बुनियादी ढांचे और अन्य विकास की आवश्यकताएं हैं, इसलिए नाबार्ड हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विशेष रूप से अधिक फंड आवंटित की जाएगी अगर राज्य सरकार इसे लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। आपको हम बता दें कि नाबार्ड एक विकास बैंक है, जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। पूरा हमारा एक्टिविटीज के बारे में देखने का और स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी सीएम से, चीफ सेक्रेटरी साहब और रानी सेक्रेटरी से बात करके और क्या क्या सुविधा नाबार्ड से गवर्नमेंट्स को मिल सकते हैं स्टेट को और हम क्या कर सकते हैं ना केवल गवर्नमेंट बैंक्स को और अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, उसके लिए हम इधर आ गया। ये 3 दिन का दौरा में हम आज का दिन पूरा सबसे डिस्कशन से सब कर रहे हैं और कल और परसों जिधर जिधर नाबार्ड का इंटरवेंशंस है, वेदर टू द वाटर शेड हो, स्प्रिंग शेड हो, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो और दूसरा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी कुछ काम हो रहा है वो सब जाके देखेंगे और उनके साथ साथ आने वाले दिनों में और क्या नाबार्ड कर सकते हैं करके हम देखेंगे। तो नाउ यही इसके लिए हम आ गया इधर। आज सर आपका चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुआ और सबसे बड़ा चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी नाबार्ड अपना मदद सहयोग कर रहा है, समझ रहा है, तो उसका क्या स्टेटस है सर? सर इंफ्रास्ट्रक्चर में नाबार्ड बहुत पैमाने से हर जगह में कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी हम पहले से बोल रहे हैं हम बहुत कुछ करेंगे करके। एक्चुअली पहले अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली में 50-100 करोड़ से लेता था, लेकिन इस साल हमने अरुणाचल प्रदेश को 400 करोड़ का एलोकेशन दिया। ऑलरेडी उनका प्रोजेक्ट्स भी आ रहा है और बहुत सा कुछ सैंक्शंस भी हो रहा है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।